अब देखो, अगर तुमने बेन 10 क्लासिक का केविन 11 एपिसोड देखा है, जिसमें केविन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो घर से भागा हुआ एक 11 साल का बच्चा होता है जिसके पास म्यूटेंट पावर्स होती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि केविन के घर से भागने की असली वजह क्या होती है? और केविन का जो आउटफिट होता है उसमें केविन अपने गले में एक पैडलॉक जैसी चेन आखिर क्यों पहना करता था? और ऐसे ही कुछ बेन 10 से रिलेटेड सीक्रेट्स तुम्हें आज इस वीडियो में देखने मिलेंगे, जो शायद तुम्हें कभी पता ही नहीं चले। और अगर इनमें से कोई सीक्रेट तुम्हें ज्यादा ही अमेज कर दे तो उस लाइक बटन को भी दबा देना। और ऐसे ही सिमिलर बेन 10 कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखो, बेन 10 में जो बेन की कजन ग्वेन है, वो असलियत में बेन की कजन नहीं होने वाली थी। असल में जब 2005 वाली बेन 10 क्लासिक सीरीज प्रोडक्शन में थी, तो ग्वेन को बेन की क्लासमेट की तरह पोर्ट्रे किया जाने वाला था, जो बेन के फैमिली से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होने वाली थी। और इसी प्री प्रोडक्शन वाली स्टोरी में ग्वेन कभी भी बेन के साथ उस समर ट्रिप पर नहीं आने वाली थी, बल्कि वो अपने स्कूल के समर स्टडी प्रोग्राम में जाने वाली थी, ताकि वो गर्मियों में भी पढ़ाई कर सके। और ये वही समर स्टडी प्रोग्राम है जिसके बारे में बेन की टीचर बेन को सबसे पहले एपिसोड में बताती है। इमेजिन करो कि ये वाली स्टोरी अगर हमें बेन 10 में दिखने मिलती, तो बेन 10 की स्टोरी कितनी ज्यादा अजीब होती। बेन 10 क्लासिक के केविन 11 एपिसोड में हमें केविन दिखाया जाता है, जो बेलवुड से भागकर न्यूयॉर्क आ जाता है, जहां वो चोरी चकारी वाला काम करता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि केविन अपने घर से अपने असली फादर की वजह से भागा था, जो उसे बहुत ज्यादा अब्यूज करते थे। और यहां मैं असली फादर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ती है, तो केविन के अंदर सर्वेंटिस नाम के एलियन ने फेक मेमोरीज भर दी थी, जिसमें उसके असली फादर एक प्लम्बर थे, बिल्कुल मैक्स टेनिसन की तरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसके असली फादर एल्कोहलिक और अब्यूजिव थे, जिनसे वो क्लासिक में भाग रहा था। और आगे जाके उसकी मॉम भी शायद किसी और से शादी कर लेती है, मगर उसके मॉम और उसके स्टेप डैड को भी फेक मेमोरीज दे दी जाती है, ताकि केविन अपनी फेक फैमिली प्लमर हिस्ट्री की वजह से बेन के करीब जाकर उसकी जान ले सके। और ये स्टोरी हमें ओमनिवर्स के वेपन 11 और वेपन 11 पार्ट 2 में पूरी बताई गई है। और इसी के साथ साथ बेन 10 क्लासिक में जो केविन का आउटफिट था, उसमें केविन के गले में एक पैडलॉक भी था, और ये पैडलॉक केविन ने अपनी जिंदगी की पहली चोरी याद रखने के लिए अपने पास रखा था, जो थी एक बाइसिकल, और ये पैडलॉक उसी बाइसिकल का होता है। अब तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि बेन 10 में नारुतो का भी रेफरेंस है, क्योंकि बेन 10 क्लासिक के एक एपिसोड मैरी क्रिसमस में हमें कोनोहामारू, उडॉन और मोएगी जैसे कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जो असल में नारुतो के कैरेक्टर्स है। और ये सब इसलिए क्योंकि बेन 10 के क्रिएटर्स जो है वो भी नारुतो के फैंस है, इसीलिए उन्होंने नारुतो के रेफरेंसेस बेन 10 में दिए है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस कोनोहामारू रेफरेंस के अलावा भी बेन 10 में एक और नारुतो रेफरेंस है, जहां नारुतो का फीमेल वर्जन सीरीज में दिखाया गया है। अब असल में इस बेन 10 एपिसोड का नाम है द बिग फैट एलियन वेडिंग, जहां मैक्स टेनिसन के भाई का लड़का एक एलियन से शादी करने वाला होता है, जिसका नाम होता है कैमिली। और कैमिली की शादी में जो कैमिली की कजन लूसी आई हुई होती है, उसका जो ह्यूमनॉइड फॉर्म होता है वो बिल्कुल नारुतो जैसा होता है, जैसे उसके चेहरे पर विस्कर्स होते हैं जो नारुतो के भी चेहरे पर है, और इसकी ब्लू आईज और ब्लॉन्ड हेयर हमें डायरेक्टली फीमेल वर्जन ऑफ नारुतो का रेफरेंस दे रहे हैं। वैसे तो इस कैरेक्टर को इस एपिसोड में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, और सीरीज के आगे जाने पर इस कैरेक्टर का डिजाइन भी बदल दिया गया है, तो इसी एपिसोड में शायद तुम इस लूसी नाम के कैरेक्टर को इस तरह देख पाओगे। कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या तुमने इसे पहले नोटिस किया था या नहीं। अब जैसा कि बेन 10 में दिखाया गया है कि बेन की ग्रैंडमा वडोना एनोडाइट नाम की एक एलियन स्पीशीज से बिलोंग करती थी, और उसके ग्रैंडपा मैक्स आम इंसान थे। और एलियन फोर्स में ये भी बताया गया है कि इसके बारे में बेन के पेरेंट्स और ग्वेन के पेरेंट्स को भी पता था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब तक के ग्वेन और बेन के फादर एडल्ट नहीं हो गए, तब तक उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि उनकी मदर एक एनोडाइट एलियन है और उनके फादर मैक्स टेनिसन एक स्पेस सीक्रेट एजेंट है। और शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से बेन के फादर कार्ल टेनिसन ने अपने घर में एक प्लम्बर हाईटेक गन छुपा के रखी थी इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसके बारे में हमें बेन 10 एलियन फोर्स में दिखाया गया है। अब बेन 10 क्लासिक में एक एपिसोड है जिसका नाम है दे लर्क बिलो, जहां ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन को अपने बचपन के एक अमीर दोस्त डोनोवैन ग्रैंडस्मिथ के एक रिजॉर्ट में ले जाते हैं, जो असल में बरमूडा ट्रायंगल के नीचे बना होता है। और इसी एपिसोड में मैक्स रिवील करता है कि वो 28 सालों तक प्लम्बर था, उसने स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स पर कई मिशंस किए हैं, लेकिन उसे बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में अभी तक पता नहीं चला। मगर इस एपिसोड में फाइनली मैक्स टेनिसन को बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, जो होती है एक एलियन शिप जो बहुत ज्यादा गहराइयों में क्रैश हुई होती है, जो बहुत पहले से पानी के अंदर डूबी हुई है, जिसका पावर कोर अभी भी एक्टिव होता है, और उसके सिक्योरिटी ड्रोन्स की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में बहुत सालों से प्लेन क्रैश और शिप रेक्स होते आ रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये शो 2005 का है, और उस टाइम पर बरमूडा ट्रायंगल को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हुआ करती थी, जिनमें से कुछ थियोरीज एलियन से रिलेटेड थी, और इसीलिए शो में बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड एक एलियन थियोरी का रेफरेंस दिया गया है। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, आज के टाइम पे बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, और वहाँ पे इतने सारे प्लेन क्रैश और शिप रेक्स बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के नीचे के वोल्केनोस की वजह से होते हैं। तुम चाहो तो खुद रिसर्च करके देख सकते हो।
पेंटन में ग्रैंडपा मैक्स के पास एक रस्ट बकेट नाम की आरवी होती है, जिसमें वो लोग पूरे समर में अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं। और ये आरवी बहुत ही हाईटेक होती है, जिसमें अलग अलग तरह की प्लम्बर टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिसे जरूरत के वक्त एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये पूरी की पूरी आरवी प्लम्बर्स ने बनाई होती है, और प्लम्बर्स ने ऐसी चार आरवीज बनाई होती है सेम टू सेम, और इन चारों में से एक पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और दूसरी ग्रैंडपा मैक्स के पास होती है, जिसे वो रस्ट बकेट नाम देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। और बाकी दो आरवी स्टोर्ड होती है प्लम्बर के सीक्रेट बेस पे, जो माउंट रशमोर में लोकेटेड होता है, जो हमें क्लासिक में दिखाया भी गया है। और क्लासिक के खत्म होते होते ग्रैंडपा मैक्स के पास जो रस्ट बकेट थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ग्रैंडपा मैक्स प्लम्बर बेस से एक और रस्ट बकेट ले आते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं रस्ट बकेट 2, जो एलियन फोर्स और ओमनिवर्स के फ्लैशबैक में हमें देखने मिलती है। और यहाँ एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि हर रस्ट बकेट का नंबर होता है S81Z1M, और अगर इस नंबर को तुम डीकोड करो तो ये लिटरली लिखा है शज़ाम, जो रेफरेंस है डीसी कॉमिक्स के शज़ाम का। क्या तुम्हें बेन का फ्रैंकेनस्टाइन एलियन याद है, जो बेन 10 क्लासिक सीरीज के सीजन 3 में बेन के पास डॉक्टर विक्टर को स्कैन करने की वजह से अनलॉक होता है, जो ट्रांसिलियंस नाम की एलियन स्पीशीज से बिलोंग करता है। अब देखो, यही वो स्टोरी है जो हमें बेन 10 में बताई जाती है कि डॉक्टर विक्टर को स्कैन करने की वजह से बेन के पास फ्रैंकेनस्टाइन अनलॉक हुआ। मगर असलियत यह है कि सीजन 1 के केविन 11 एपिसोड में ही हमें फ्रैंकेनस्टाइन ओमनीट्रिक्स में देखने मिलता है, और ये तब होता है जब बेन केविन से फाइट करने के लिए ओमनीट्रिक्स में अपने एलियंस को टॉगल कर रहा होता है, तभी हमें ओमनीट्रिक्स का फ्रैंकेनस्टाइन एलियन भी दिखाई देता है। और ऐसा हो सकता है कि ये एलियन बेन 10 की ओरिजिनल 10 लिस्ट में ही होगा, जिसे हमें स्टार्टिंग के सीजन्स में नहीं बल्कि सीजन 3 में दिखाया गया, क्योंकि ये एलियन स्पेशली बेन 10 क्लासिक के सीजन 3 आर्क्स के लिए ही बनाया गया था। अब इस वीडियो का आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, या तुम कह सकते हो कि एक थियोरी है, जो बेन 10 क्लासिक से ही रिलेटेड है। अब तुम्हें क्लासिक के कुछ ऐसे एपिसोड याद होंगे जहां ग्वेन को ओमनीट्रिक्स मिलता है, या ऐसा एपिसोड जिसमें बेन की ओमनीट्रिक्स के बारे में उसके पेरेंट्स और पूरी दुनिया को पता चल जाता है, और ऐसे एपिसोड्स को बेन 10 क्लासिक में व्हाट इफ एपिसोड कहा जाता है, जो मेन स्टोरी के लिए कैनन नहीं होते। लेकिन क्लासिक में दिखाए व्हाट इफ एपिसोड्स में एक कॉमन चीज होती है कि उन एपिसोड के स्टार्ट और एंड में एक नरेटर होता है, जो हमेशा कहता रहता है कि एक कहानी सुनाने के कई तरीके होते हैं, और इसी वजह से तो वो दिलचस्प बनती है। और ये डायलॉग सिमिलर होता है प्रोफेसर पैराडॉक्स से, जो आगे जाके एलियन फोर्स में सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कहानी शुरू करने के कई तरीके हो सकते हैं, वैसे ही उसे खत्म करने के भी कई तरीके हैं, और बेन टेनिसन के लिए ये कुछ इसी तरह की कहानी है। अब थियरी ये है कि क्लासिक के व्हाट इफ एपिसोड में जो नरेटर था वो प्रोफेसर पैराडॉक्स ही था, जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन की कहानी सुना रहा था, क्योंकि यही सेम डायलॉग पैराडॉक्स भी रिपीट करता है। एक कहानी बताने के कितने सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसी से वो दिलचस्प बनती है। उसका नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और ये सीरीज एक तरह से पैराडॉक्स का क्लासिक सीरीज में एग्जिस्टेंस भी कंफर्म करती है। तो बस, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक कर दो, और ऐसे ही सिमिलर बेन 10 कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस चैनल पे ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बेन 10 वीडियोस है, जिसे जाके तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो अब चलें।